सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्रीनगर दे लागे एक कट्टू नामी सिख रहिंदा सी। उसका हिरदा सतनाम के नाम नाल रसिया होया सी। ओह छेवें पातशाह दे समय गुरु जी नूं अमृतसर विखे जा के मिलिया सी। तद उसने गुरु जी की बहुत सेवा की। उसका सतगुरु जी नाल बड़ा सुहिरद प्रेम सी। उसने अंदरले प्रभु नूं एक रस वेख्या सी। जद गुरु जी ने उसते कृपा की तो अज्ञानता का नाश हो गया ते अपने स्वरूप नूं उसने वेख लिया। उस दी सतनाम दे सिमरन नाल लिव लग गई। ब्रह्म देख के गुरु जी का प्रेमी हो गया। बहुत देर तक सेवा करता रहा। उसकी बिरती वेख के सतगुरु जी ने कृपा की। उसका नाम कट्टू शाह कहिंदे सन। जद उसके हिरदे विच बहुत प्यार भर गया फिर उसनों अपने घर जाने वास्ते कह दिता। जद सतगुरु जी ने उसकी काल कमाई नूं वेख्या इस करके उन्हां दा नाम गरीब निवास है। जिस समय गुरु जी श्री अमृतसर साहब तो श्रीनगर वल अपनी सेना दे नाल आए तो भाई कट्टू भी सवादी फल लै के गुरु जी नूं आ मिलिया। दर्शन करके हिरदा आनंद नाल भर गया। गुरु जी दे पवित्र चरण कमलां नाल लिपट गया। नैणा विच आनंदमई जल झलक रहा सी। उसनों वेख के श्री हरगोबिंद जी ने कहा कट्टू शाह आओ की सुख आनंद है। कहण लगा हे गुरु जी तुहाडे दर्शन किते हन। मेरे हिरदे विच सुख अते आनंद 100 गुणा वध गया है। कश्मीर दा राह बड़ा कठिन है। तुसी गुरसिखी दा विस्थार कर रहे हो। अपना वड़ा दास जान के तुसी उहनां दा इस समय किरतार्थ करन वास्ते आए हो। किरपा धार के आउणा कीता है। मेरे वड़े भाग हन कि मेरे घर आए हो। इत्याद शुभ बाणी कह के रात बड़े प्रेम नाल गुरु जी दे पास रहा। होर अनेक सिख चल के गए ते गुरु जी दे चरण कमलां ते वंदना कीती। गुरु जी ने यथा योग सारयां दा सन्मान कीता। रात उस स्थान विखे ठहर के गुरु जी अगे चल पए। कट्टू शाह नू गुरु जी ने विदा कीता। उसने बड़े प्रेम नाल गुरु जी दे चरणा ते मत्था टेकया। सतगुरु हरगोबिंद जी कूच करके विशाल नगर दे पास उत्थे जा पहुँचे जिथे काठी दरवाजा सी। गुरु जी ने श्रीनगर शहर विच प्रवेश कीता। काठी दरवाजा शहर दा नहीं बल्कि एक किले दा दरवाजा है। इस तरह सतगुरु जी उत्थे कई दिन ठहरे। सिख दर्शन करके निहाल हो रहे सन ते कई ज्ञान प्राप्त कर रहे सन। कईयां नूं सत संतोख प्राप्त हो गया ते कई दोष रहित ब्रह्म ज्ञानी हो गए। किसी ने सतनाम का सिमरन पाया। कई रात दिन अंतर हिरदे विच लिव लाउंदे सन। कईयां ने योग मुक्ति नूं प्राप्त कीता ते कईयां ने गुरसंगत प्राप्त करके दोषां दा नाश करवाया। एक दिन एक पासे तों बहुत सिख आए। वह शहद दे बर्तन भर के लियाए। उहनां दे राह विच कट्टू शाह जिस दे हिरदे विच ब्रह्म ज्ञान समाया होया सी उसका घर सी। वह सारे सिख कट्टू शाह दे घर ठहरे। रात कट के फिर अपने राह पै गए। कट्टू शाह ने संगत की हर प्रकार सेवा की। गुरसंगत वेख के बहुत श्रद्धा धारण की। उन्होंने रात सौण वास्ते बड़ा सुंदर स्थान दिता। सवेर हुई तो सारी संगत उठ बैठी। इशनान आदि सब प्रकार की किरिया की। जब संगत ने चलण की तैयारी की तो भाई कट्टू शाह ने वचन उचारण किए इस बर्तन विच
की लै के आए हो? हे गुरसिखो, यह मैनू भी विखा दिओ। यह सुन के सिखा ने कहा, यह वधिया प्रकार का शहद है जिसनू गुरु जी वास्ते लैके जा रहे हाँ। जंगलों में बहुत फिर तुर के ये इकट्ठा किया है, गुरु जी दे छकण योग लभ के लियाए हाँ। सारे फलों की यह डाली भेटा है, हुण जाके सतगुरु जी नू अर्पण करांगे। कट्टू शाह ने यह शुभ गल सुनी ते उना पासों शहद मंगया। कहण लगा, मैनू भी थोड़ा शहद दे दिओ, जड़ा बड़ी मेहनत नाल लभ के लियाए हो वह जरूर वधिया होवेगा। मैं इसका स्वाद वेखण वास्ते इच्छा धारण की है। यह सुन के सिखा ने उत्तर दिता, हाले गुरु जी नू अर्पण नहीं किया है, बहुत मेहनत नाल शहद इकट्ठा किया है। असी अपने मन विच यह नेम पक्का किया है कि सब तो पहला केवल सतगुरु जी ही इसका सेवन करन। सतगुरु जी तो बिना यह किसी नू दिता नहीं जा सकता। पहला सतगुरु जी अपने मुख विच पौन, बाद विच सिख संगत नू देंगे, खाण दे उचित तदों ही हो सकेगा। भाई कट्टू शाह फिर चुप कर गया। शहद प्राप्त करन दी उस दे चित विच कोई चाह ना रही। उस दे मन विच खुशी गमी लेस मात्र भी नहीं सी। उसका मन दिन रात गुरु जी विच जुड़िया रहिंदा सी। एक कह के संगत राहे पै गई। उन्होंने गुरु जी के दर्शनों की मनशा धारण की हुई सी। हौली हौली चल के नगर विच पहुँच गए। घर का पता पुछ के उस पासे नू चल पए जिथे पूरे सतगुरु जी विराजमान सन। संगत उथे जा के उन्हां दी हजूरी विच पहुँच गई। सब मेव्यां अते फलां दियां डालियां उन्हां अगे धर दित्तियां। फिर हथ जोड़ के वंदना कीती। हिरदे विच बहुत प्रसन्न हो के दर्शन किते। फिर बड़ी श्रद्धा नाल सतगुरु जी दे चरण कमलों नू परसिया। गुरु जी ने तद सब उत्ते अपनी खुशी कीती। गुरु जी दे वेखदिया ही सब निहाल हो गए। गुरु जी ने कह के शहद वाले बर्तन का मूँह खुलवाया। सारे वेख के हैरान रह गए अते कहन लगे, ये असी सारे फिर फिर के लभ लभ के लियाए हाँ। हे प्रभु जी, यह शहद असी तुहाडे वास्ते लै के आए हाँ। असी इस नू सवेरे वेख्या सी, यह बिल्कुल ठीक सी, हुण यह कीड़ियां नाल भरिया होया है। ये की हो गया है? इसकी गति समझ विच नहीं आती। शुद्ध शहद बहुत किरमा नाल भर गया है। गुरु जी ने मुस्कुरा के कहा, कट्टू शाह दे हिरदे विच प्रवेश करके असी मंगया सी, उत्थे तुसी यह मैनू दिता नहीं, इस करके शहद विच किरम पै गए हैं। जो पदार्थ साडे सिखां दे मूँह विच पैंदा है वह हित धार के मेरे पास पहुँच जाता है। जिहड़ा सिख दे मंगण ते ना देवे उस विच निश्चित रूप विच विगाड़ पै जाता है। हुण कट्टू शाह दे पास जाओ, शरदा धार के शायद उसनू खवाओ। जद उसनू श्रेष्ठ रूप विच प्रसन्न कर लवोगे, यह सारा पहला वांग ही बन जाएगा। सतगुरु जी पासों ये सुन के सारे हिरदे विच बहुत पछताए। कट्टू शाह एक वड्डा सिख है, सतगुरु जी अपने दासां विच वसदे हन, गुरु भगवंत जी सब थां रहिंदे हन। गुरु जी दे बचन मन के वह सारे चले गए। शहद दा बर्तन लै के वह किसे देर बगैर तुर पए। शाम दे समय उत्थे जा पहुँचे ते कट्टू शाह नू वेख के मुस्कुराए। गुरु जी सिखां दा माण रखदे हन। गुरु जी अपने सिखां नू अपने नालों भी वड्डा समझदे हन। उन्हां ने जाके शहद दा भांडा कट्टू शाह दे अगे रख दिता ते बेनती कीती, माफ़ करो, साथों गलती हो गई है। बर्तन विच्चों शहद कढ के भाई कट्टू शाह ने छक लिया। भांडे का फिर मूँह ढक दिता। शहद फिर बहुत सुगंधी वाला हो गया। सिखा ने वंदना करके महिमा समझी। गुरु जी दे सिख महान धन हन। फिर नगर वाल चल के शहद ले आए ते शहद का बर्तन
गुरु जी पास अर्पण कर दिता। वधिया शायद वेख के गुरु जी ने कहा, गुरमुख सिख अते मेरे विच भेद ना जाणो, दोहां नू एक रूप जाणो, गुरु अते सिख विच कोई फर्क ना जाणो। ये कह के शायद वाला बर्तन रखवा लिया। सिखां दी महिमा बहुत वधा दित्ती। इस प्रकार कश्मीर विच रहे सदा संगतां दी बहुत भीड़ लगी रहिंदी सी। कई दिन उस देश विच बतीत कीते। गुरु जी नित नवा चरित्र विखाउंदे सन। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।